जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज है नवरात्र का चौथा दिन, भगवती दुर्गा की नौ शक्तियों का तीसरा स्वरूप माँ कूष्मांडा का है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे राशि अनुसार माँ की आराधना करें और ये सब जानेंगे हमारे आज के इस महाउपाय में, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072, महीना चल रहा है चैत्र का और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, यानी नवरात्र का चौथा दिन, माता कूष्मांडा की पूजा आराधना का दिन, सोमवार का दिन पड़ता है, भरणी नक्षत्र है, योग है वैद्यति और करण है वाणिज्य। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, आज किसी भी काम को आरंभ करने से पहले उस कार्य के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें भगवती की आराधना के साथ, तो आपको लाभ मिलेगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आज इस बात की काफी उम्मीद है कि आप अपने दिल से जो भी निर्णय, जो भी फैसले करेंगे वो आपके पक्ष में सही सिद्ध होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। किसी भी वाद विवाद में स्वयं को मत उलझाइए। जो भी काम आप करते हैं बहुत साफ सुथरे तरीके से, सीधे तरीके से करें। किसी भी प्रकार का रिस्क लेना या जोखिम में खुद को डालना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं कि कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको यश और कीर्ति दोनों की प्राप्ति होगी। आज किस्मत आपके साथ है, आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों का आज का राशिफल क्या है।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए विद्यार्थी वर्ग को आज पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। अपने पारिवारिक मसलों को समाप्त करने के लिए आज कोई अहम फैसला, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज आप कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज झूठ बोलने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले आज क्या उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि चीजें आपके हिसाब से चलेंगी, लेकिन थोड़ा सा आप बुद्धि विवेक का प्रयास करें, बुद्धि विवेक से काम लें। किसी विषय पर लोग आपकी राय जानने आ सकते हैं, तो जो भी आपको अपनी राय देनी है, सोच समझ करके, विचार करके आप किसी राय पर पहुंचे या किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और वक्त अब कॉलर लेने का हो गया है। हमारे साथ हमारी पहली दर्शक सीमा हल्द्वानी से जुड़ गई है। जी सीमा, बताएं क्या आपकी समस्या है। गुरु जी प्रणाम। मेरी छोटी बहन मोहिता, उसकी जन्म तिथि है 1 नवंबर 1991, जन्म समय रात्रि 10:35, जन्म स्थान हल्द्वानी। गुरु जी इसका ना स्वास्थ्य खराब रहता है, उसको गले दर्द, सांस आदि समस्या हो जाती है। और साथ में ये MBBS कर रही है, अपने साथ वाले बच्चों को खूब पढ़ाती है, उनके साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार की लिखती, वो लोग उदासी बरतते हैं। देखिए चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर दशा चल रही है इस जातक के साथ, और हो सकता है खुद बहुत टैलेंटेड हो, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि खुद लोगों को पढ़ाती हैं और उनको सफलता मिल जाती है और ये अभी उसमें पीछे रह जाती हैं, तो इनके लिए असफलता का सबसे बड़ा कारण राहु की जो अंतरदशा है वो इनके लिए एक विघ्न का कारण बन रहा है। तो ऐसे में सबसे आवश्यक ये है कि इनके लिए राहु के दोषों का निदान किया जाए। और इनकी कुंडली ये बताती है कि 4 जून 2016 के बाद से ही इनके लिए भाग्योदय की स्थिति, सफलता की स्थिति बनेगी। तो खुद से थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, खुद जितना ज्यादा से ज्यादा महादेव की पूजा आराधना कर सकें उससे इनको फायदा मिलेगा, मन में जो भटकाव की स्थिति है उससे ये बच पाएंगे। शीतल अगली कॉलर हमारे साथ ललितपुर से जुड़ गई हैं। जी शीतल बताएं आपका क्या सवाल है। हेलो जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार बताइए। मेरा सवाल यह है पंडित जी कि ना ही तो मेरी अभी तक नौकरी लगी है और ना ही अभी तक शादी हो पा रही है पंडित जी, ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति खराब है मेरी कुंडली में। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1984। जी समय और स्थान भी बता दें। जी समय है रात को 10:45 और स्थान वही ललितपुर। जी देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर दशा चल रही है और चतुर्थ भाव में केतु का बुध के साथ संयोग जो है ये बहुत अच्छा नहीं है। आपने जैसे कहा कि आपकी नौकरी नहीं लग रही और बुध आपकी जन्म पत्रिका में आय भाव का स्वामी है, दशम स्थान में राहु की स्थिति है, तो ये सारे कारण है जिस वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में विघ्न का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने बताया राहु की महादशा चल रही है, तो राहु और केतु का जो संयोग है वह आपके करियर पर, आपके आय पर और आपके भाग्योदय पर, आपके आने वाले जो जीवन में घटने वाली शुभ घटनाएं हैं सब पर ग्रहण लगा करके बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम आपको और आपके परिजनों को यह करना चाहिए कि राहु केतु और बुध के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। ग्रहों की शांति करना यही सबसे बड़ा सही मायने में कहा जाए तो प्रामाणिकता के साथ 100% प्रभावशाली जो उपाय होता है वह अशुभ ग्रहों का वैदिक मंत्रों का जाप करा करके अशुभ ग्रहों के लिए उसकी शांति करना ही उसका एकमात्र सबसे प्रामाणिक उपाय है। किशोर पिथौरागढ़ से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी किशोर बताएं आपका सवाल क्या है। मैम मेरी जन्मतिथि है 9 जुलाई 1984। जी समय 2 बजे है। पंडित जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे को कार्य में सफलता मिलते मिलते रुक जाता हूँ मैं हर जगह, इसके लिए कोई उपाय हो कुछ हो। जी बिल्कुल, आप मुझे ये बताइए कि ये जो समय 2 बजे का है ये दिन का है या रात का। दिन का है। जी जन्म का स्थान बता दें। पिथौरागढ़ है।
देखिए आपकी जनपत्रिका के अनुसार केतु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही है, यही कारण है कि आपको सफलता मिलते मिलते रुक जाती है। केतु के जो लक्षण होते हैं अमूमन किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत शुभ नहीं होते, बहुत बिरले ही ऐसे लोग ऐसे योग होते हैं जिसमें केतु लोगों के लिए शुभ होता है। और अगर एक बार केतु या राहु शुभ स्थिति में आ जाए तो किसी भी गरीब से गरीब व्यक्ति को सर्वसंपन्न बना सकते हैं। तो आपकी जन्मपत्रिका में केतु का संयोग चंद्रमा के साथ दूसरे भाव में बन रहा है, जो बहुत अच्छा संयोग आपके लिए नहीं है। ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि दरिद्र व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को आप भरपेट भोजन कराया करें, खासतौर पर बुधवार और शनिवार के दिन में। किसी खुले स्थान पर पशु पक्षियों के लिए चारे की व्यवस्था, सतंजे की, सप्तधान्य की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। किसी मिट्टी के पात्र में जल की व्यवस्था करिए और आटे में थोड़ा सा शक्कर मिला करके खुले स्थान पर जमीन में, पृथ्वी पर आप बिखेर दिया करिए, जो चींटियों के लिए भोजन हो जाएगा। केतु और राहु को अगर आपको प्रसन्न करना है, संतुष्ट करना है, उनकी कृपा लेनी है तो निरीह प्राणियों की, असहाय लोगों की सहायता करने से ही आपको फायदा मिलता है। तो ऐसे में आप लोगों की सहायता करें, आपको फायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ ओम केंग केतवे नमः मंत्र का जाप करते रहिए। कांता प्रसाद अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कांता प्रसाद बताएं, क्या आपकी समस्या? नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म तिथि है 7/12/76 जी, और रात के 8:30 बजे जी। गुरु जी पता करना है कि गवर्नमेंट जॉब तो मिल गई लेकिन कोर्ट केस और मन अशांत रहना, कौन सा रतन पहनू मैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। जन्म का स्थान बता दीजिए। कोटद्वार उत्तराखंड। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा इस समय आपके लिए चल रही है और शनि का जो संयोग है लग्न में वो बहुत अच्छा आपके लिए नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे में जो वाद विवाद की स्थिति है वो बनी रहेगी। वाद विवाद का निदान कोई हाल फिलहाल में नहीं दिखाई देता और ऐसा लगता है कि 14 जुलाई 2016 के बाद ही इस विवाद का, जो आपने बताया कि कोर्ट केस चल रहा है सरकारी नौकरी में, उसका अगर कहीं निदान दिखता है तो 14 जुलाई 2016 के बाद दिखता है। तो अभी लगभग 1.25 साल आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। अपनी तरफ से कहीं आप कोई उसमें छेड़छाड़ या कोई नई पहल मत करिएगा, अन्यथा आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। स्वाभाविक तौर पर इस प्रक्रिया को आगे चलने दीजिए, परिस्थिति आपके पक्ष में सुलझेगी। हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा पूजा आराधना आप करें तो आपको फायदा मिलेगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे आपको बाकी बची राशियों का राशिफल और आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं, अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। इस विश्वास में आपको आगे के दिन को बढ़ाना है। आज अगर आपने अपने खानपान पर, अपने दिनचर्या पर सही ध्यान नहीं दिया तो आपको स्वास्थ्यगत समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी से कोई बहुत बड़े वादे करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में शांत बर्ताव रखना चाहिए, आपको सही रास्ता अवश्य दिखाई देगा। आज काम बहुत होगा किंतु थोड़ा सा मनोरंजन के लिए भी आपको समय निकालने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निर्णय लेने में बहुत जल्दीबाजी ना दिखाएं। और अब जानते हैं कि धनु राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में बन रही हैं, सोचे हुए कार्य सिद्ध होंगे आप, जिससे आपकी व्यस्तता भी बढ़ेगी। वाणिज्य व्यवसाय में वृद्धि और लाभ के संयोग आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी की पूजा आराधना करने के साथ साथ ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो फायदा अच्छा मिल सकता है। अपने कार्यक्षेत्र में पार्टनर से वाद विवाद और झगड़ा बढ़ाने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप मेहनत की राह पर निकल पड़ें। आज का दिन कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए आपके पक्ष में बहुत अच्छा बनता दिखाई देता है। आज आप किसी से भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की अनदेखी करने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं कि कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों का यदि किसी बहुत करीबी व्यक्ति से कोई वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हो गया था तो आज आवश्यकता है कि आप एक बार पुनः उनसे अपने मित्रवत संबंध बहाल कर लें। आज पहले जो पुराने काम रुके हुए पड़े हैं उनको आपको संपादित करना चाहिए और उसके बाद फिर कोई नई जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई गुप्त बातें हर किसी से चर्चा करने से बचना है। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज धैर्य से काम लेना चाहिए। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई निर्णय बना करके आप ना रखें। पिछले दिनों आपने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल सुफल आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप अपनी राशि अनुसार मां भगवती की आराधना कर सकते हैं। हिंदू माह के चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात जिसे हम गुड़ी पड़वा कहते हैं, कुछ क्षेत्रों में इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है, इस तिथि से हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है। इसी दिन से नवरात्र के घट स्थापना के साथ साथ नवदुर्गा का उत्सव भी, नवरात्र की पूजा आराधना भी आरंभ हो जाती है जो रामनवमी पर जाकर के समाप्त होती है। जो भी भक्त नवरात्रि उत्सव को नवदुर्गा उत्सव में देवी की आराधना करते हैं एवं भक्तिभाव से पूजते हैं उन जातकों के सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मां भगवती की कृपा उन्हें मिलती है और जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को नवरात्रि में माता की आराधना अपनी राशि अनुसार अवश्य करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि संक्षिप्त में बीज मंत्र के अनुसार आप किस प्रकार माता की आराधना कर सकते हैं। मेष राशि वाले जातक लोगों को आपके लिए जो इस वर्षफल की स्थिति बनती है, कौटुंबिक क्लेश, अस्वस्थता, मकान भवन की चिंता रहने वाली है, अतः इन सभी कष्टों से मुक्ति के लिए इस नवरात्र में ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप नित्य प्रति करना चाहिए। हर दिन आप जाप करें तो आपको लाभ मिलेगा। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष जय विजय सफलता वाला से परिपूर्ण रहने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको समय समय पर परेशान करती रहेंगी, अतः आपके लिए जो देवी का विशेष मंत्र है वह ओम विघ्न नाशिनी नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको लाभ मिल सकता है। वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों को यह वर्ष थोड़ा सा अशुभता लेकर के आएगा। जीवन साथी या आपकी मित्र मंडली, आपकी संगति से आपको धोखा मिल सकता है, अतः इस प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ओम सर्व गताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको सुरक्षा मिलती रहेगी, किसी भी प्रकार की अनहोनी से आप सुरक्षित रहेंगे। वहीं कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष मान सम्मान और उसके साथ साथ इच्छित फलों को देने वाला रहेगा, परंतु उदर संबंधी समस्या यानी पेट से संबंधित तकलीफ आपको परेशान करती रहेगी, तो इस परिस्थिति से बचने के लिए ओम वाणी नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और किसी भी प्रकार की अशुभता से आप दूर रहेंगे। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष न्यायिक वाद विवाद, उलझन और विपरीत विचार यानी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को नकारात्मक विचारधारा को लेकर के आएगा, जिससे शारीरिक कष्ट भी आपको बढ़ सकता है, तो इस प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ओम मायायै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वहीं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष अच्छे परिवर्तन और उसके साथ साथ शौर्य लेकर के आया है, साहस में बल में वृद्धि करने वाला यह वर्ष आपके लिए होगा, तो इस प्रकार से आप जो मंत्र मैं बताऊं उसका जाप करके अपने जीवन में शुभता में और वृद्धि कर सकते हैं। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम मधुमत्यै नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपके लिए तो परिस्थितियां शुभ बनती हैं लेकिन इस मंत्र के जाप से और ज्यादा उसमें शुभता में वृद्धि हो सकती है। अब जानते हैं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष उन्नति वाला तो रहेगा, परंतु वाद विवाद, झगड़े, असंयम के साथ साथ थोड़ा सा विरोधाभास भी लेकर के आएगा। आप अपने बड़े निर्णय करने में स्वयं को थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे में ओम कुंडल्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपकी निर्णय करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, आपके बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी और आपका सौभाग्य वर्धन होगा। इसके बाद बारी आ जाती है वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष चिंता, क्लेश, न्यायालय संबंधी परेशानियों में जा सकता है। इन्हीं सारी चीजों में आपका समय ज्यादा से ज्यादा बीतेगा, तो ऐसे में जो भी अशुभ स्थिति है उससे मुक्ति पाने के लिए ओम अजायै नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको विजय प्राप्त होगी, आप अजेय हो जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में आप हार नहीं मानेंगे और उसको परिस्थिति को सामना करने का, फेस करने का साहस आपको प्राप्त होगा। इसके बाद बारी आ जाती है धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष आपके लिए अचानक लाभ, विदेश यात्रा, उन्नति एवं पारिवारिक सुख देने वाला रहेगा, परंतु किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर के थोड़ा सा आप परेशानी में घिर सकते हैं। तो जो मंत्र मैं आपको बताऊं उस मंत्र का जाप करने से किसी भी प्रकार के कष्ट से और किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आने से आप बचेंगे, आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कर सकेंगे। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम क्रियायै नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको अपरंपार सफलता मां भगवती की कृपा से प्राप्त होगी। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों को यह वर्ष श्रेष्ठ रहने वाला है, आपका तेज, आपका प्रताप बढ़े, ऐसा लक्षण आपके लिए बनते हैं। अपने करीबी लोगों के लिए आप कुछ अच्छा करना चाहते थे, उनको आज उनके लिए कुछ अच्छा करने का अवसर आपको इस वर्ष में मिलेगा। जो दंपत्ति निसंतान है, जिनको संतान नहीं है, आपकी संतान संबंधी समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको आवश्यकता है माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने की। तो कृपा कैसे मिलेगी? आपको कृपा मिलेगी ओम शाकंभरी नमः मंत्र का जाप करने से। इससे आपको माँ भगवती की कृपा मिल सकती है, आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख और शांति लेकर के आएगा। किसी नए आर्थिक सुख से परिपूर्ण रहने वाला ये साल आपके लिए रहेगा। आपके लिए जो विशेष मंत्र है वह है ओम वैष्णवे नमः। इस मंत्र का जाप आपको नवरात्र के दिनों में कम से कम 108 बार रोज करना चाहिए। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष आर्थिक, शारीरिक परेशानी और उसके साथ साथ मानसिक तनाव और चिंता देने वाला रहेगा। इस कष्ट में अपने लोगों का साथ आपको अवश्य मिल सकता है और इस प्रकार के कष्टों से बचने के लिए, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए ओम गिरिजायै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो बहुत सरलता से, बहुत सामान्य विधान के माध्यम से आप अपने संपूर्ण कष्टों से स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आज के महा उपाय में हमने जाना कि इस नवरात्र कैसे अपनी राशि के अनुसार माँ की उपासना करें जिससे अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जय दुर्गे। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।